ओम नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार रेवती नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी बुद्ध देव हैं। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 8:30 बजे तक चलते रहेंगे। मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्म में जातक सुंदर धनी धैर्यवान और प्रतिभाशाली होते हैं। परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने वाले और दुविधापूर्ण मनोस्थिति वाले भी होते हैं। लोकप्रिय और अपना काम चतुराई से निकालने वाले भी माने गए हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के 12वें घर में आज भी 4 ग्रह मौजूद रहेंगे, मगर चंद्रमा बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र और बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। व्यावसायिक उत्थान में सहयोग मिलेगा। नए अनुबंध के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति अनुमानित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। साज सज्जा साथ ही साथ माँ व संतान के स्वास्थ्य पर भी खर्च संभावित है। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी रहेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए इन 4 ग्रहों सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा की स्थिति लाभ भाव में बनी हुई है, इसलिए व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक लाभ प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास का सहयोग रचनात्मक कार्यों में मिलता रहेगा। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों को दिलाने वाला होगा। आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। आपके कार्य क्षेत्र का विकास होता रहेगा। संबंधित मामले में महिला वर्ग और अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। व्यावसायिक साझेदारी लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है। प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। संसाधनों में बढ़ोतरी होगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने संसाधनों को जुटाने और कार्य क्षेत्र की निरंतरता को बनाए रखने में बीतेगा। संबंधित मामलों में महिला वर्ग व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अधूरे और रुके हुए काम को निपटाने में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अपनी कार्य योजनाओं में प्रतियोगिता जैसी स्थिति महसूस होगी। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनाए रखना जरूरी होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। भाग्यवश आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की कोशिशें कामयाब होंगी। कार्य क्षेत्र के नए प्रस्ताव सामने आएंगे। पहले के चले आ रहे पुराने मामले निपट सकते हैं। कुछ कामों में सावधानी अपेक्षित है। तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। अधिकारी वर्ग अनुकूल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में संघर्ष का उतार चढ़ाव बना रहेगा, मगर लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अप्रत्याशित रूप से अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा, मगर किसी का भावनात्मक सहयोग आपके ऊर्जा स्तर और कार्यशैली को सुधारने वाला होगा और आपकी योजनाएं पूरी होंगी। निजी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और किसी मामले में फैसला लेना आसान होगा। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और मित्रों की प्रेरणा लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तुला राशि वाले जातकों के प्रयास सार्थक होंगे। अधूरे काम पूरे हो सकते हैं, मगर थोड़ा समय लगेगा। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।
सकारात्मक प्रेरणा आपको मिलती रहेगी और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि बनी रहेगी और संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। शाम के बाद निजी संबंधों में मजबूती आएगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के संयम और संघर्ष का फल अच्छे रूप में मिलेगा। कई काम आपके आसानी से पूरे होंगे, कुछ अधूरे कामों में बीच के रास्ते निकल सकते हैं। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सार्थक पहल जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको रखनी चाहिए। चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिससे एलर्जी और पेट संबंधित समस्याएं संभावित हैं। संतान संबंधी मामले में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दायित्व की पूर्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों से सहयोग मिलेगा और निजी संसाधनों में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले जातकों के कुछ रुके हुए ऐसे काम पूरे होंगे जो बहुत समय से लंबित चले आ रहे थे। अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलेगी। आपके बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक सिद्ध होगा। दूसरे की भावनाओं का अंदाजा लगाना आपके लिए बहुत आसान होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। किसी भी कार्य को युद्ध स्तर पर लागू करना उचित नहीं होगा। पूरी तरह सोच विचार करना जरूरी होगा। विरोधियों की साजिश से योजनाएं डिस्टर्ब हो सकती हैं, मगर संबंधित विभाग व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। निजी रिश्तों व परिवार में तनाव संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि कौशल से अपने आप को संभालें। हर संभव सहयोग आपको मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी। नए प्रस्ताव लाभदायक होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। अचानक लाभ संभावित है। मानसिक उलझन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए पार्टनरशिप या साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। बहुप्रतीक्षित काम पूरे होंगे और कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। मानसिक सक्रियता बनाए रखें और आर्थिक जोखिम वाले निर्णय लेने से बचें। शाम के बाद आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में बल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा एवं संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां लेते रहें। सिंह राशि के जातकों से कुछ मानसिक उलझन बन सकती है। सावधानी अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।